नमस्कार, मैं डॉक्टर नेहा। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि किडनी पेशेंट में क्या ऐसे लक्षण दिख सकते हैं जिससे हम ये समझ पाएं कि पेशेंट में क्रिएटिनिन की मात्रा बढ़ रही है। क्रिएटिनिन क्या होता है ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, तभी हम ये समझ पाएंगे कि किडनी का कोई डैमेज बॉडी में चल रहा है या क्रिएटिनिन की वैल्यू बढ़ रही है। क्रिएटिनिन एक्चुअली एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है, यानी एक ख़राब तरीके का पदार्थ होता है जो किडनी का काम होता है कि यूरिन के रास्ते बाहर लेके जाना। जब किडनी के ये फिल्ट्रेशन प्रॉपर्टी यानी कि किडनी के काम करने की क्षमता में किसी भी तरीके का कोई भी डेफिसिट आ जाता है तो किडनी अपना काम उतने अच्छे से कर नहीं पाती है। इसी वजह से ब्लड में क्रिएटिनिन की वैल्यू बढ़ने लगती है। अब क्रिएटिनिन की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? मेन में ये वैल्यू 0.6 टू 1.3 होती है और वुमेन में यही वैल्यू 0.6 टू 1.1 होती है। हालांकि जब किडनी में थोड़ा सा डैमेज होता है, थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो किडनी अपने आप ही अपने आप को अडाप्ट कर लेती है, उसी हिसाब से किडनी काम करने लगती है और वो वैल्यू विद इन द नॉर्मल लिमिट्स यानी कि उसी मात्रा में 0.6 टू 1.1 और 1.3 उसी में मेंटेन रहती है। अगर आपको ये दिख रहा है कि ब्लड रिपोर्ट्स में वैल्यू 1.3 के ऊपर जा रही है तो आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, एनालाइज करने की ज़रूरत है कि किडनी में ऐसा क्या डैमेज चल रहा है और क्या ऐसे लक्षण आप अपने शरीर में देखें कि आप ये समझ पाएँ कि मेरा केस सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। पहला सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण जो आपको दिखाई देगा वो आपके यूरिन में चेंजेस दिखाई देंगे। आपको दिखेगा जिस तरीके का यूरिन आप पहले पास करते थे, या तो आप यूरिन बहुत ज़्यादा पास करने लगे हैं या यूरिन बहुत कम हो गया है। अब आप कैसे समझेंगे कि मेरे को क्या लक्षण देखने हैं पेशाब में? यूरिन आउटपुट में हो सकता है आपको ब्लड दिखे या फोमिनेस दिख सकती है, यानी झाग दिख सकते हैं, आपको दिख सकता है म्यूकस आ रहा है यूरिन में। ये सारे चेंजेस डिपेक्ट करते हैं कि किडनी में कोई डैमेज चल रहा है। अगर कैलकुलस का केस है यानी कि किडनी में कोई स्टोन है या किडनी का किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन है, ऐसे केसेस में अधिकतर दिख सकता है कि पेशाब में स्लाइमी यानी म्यूकस बाहर आ रहा है और ब्लड भी बाहर आ सकता है। लेकिन अगर क्रोनिक किडनी डैमेज का केस है, CKD का केस है, तो आप ये देखेंगे कि यूरिन आउटपुट कम हो गया है और साथ में जितना भी पेशाब आ रहा है उसके साथ झाग आ रहे हैं। ये यूरिन में चेंजेस समझना, देखना और उसको आगे समझते रहना कि पिछले कुछ दिनों में क्या यूरिन में चेंजेस आ रहे हैं, ये आपको बहुत हेल्प करेगा ये देखने में कि मेरा किडनी केस कैसा चल रहा है। दूसरा इम्पॉर्टेंट लक्षण जो आपको दिख सकता है वो है स्वेलिंग। स्वेलिंग इज़ अ वेरी वेरी कॉमन सिम्टम इन अ किडनी पेशेंट। हो सकता है पेशेंट कह सकता है कि मैं सुबह उठता हूँ तो मेरी आँखों के नीचे, मेरे हाथों में सूजन होती है, मेरा हाथ बिल्कुल नहीं चल सकता है। पेशेंट कहेगा कि मैं बहुत लंबे समय तक बैठा रहता हूँ तो मेरे पैरों में सूजन आती है। अगर किडनी का केस बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया है तो ऐसे पेशेंट को बहुत ज़्यादा पूरी बॉडी में स्वेलिंग हो सकती है। ये लक्षण जानना भी बहुत ज़रूरी है। तीसरा इम्पॉर्टेंट लक्षण जो आपको दिखेगा वो दिखेगा एपेटाइट में चेंज, यानी आपके भूख लगने में बदलाव हो गया है, आपको नौजिया वॉमिटिंग के सिम्टम्स हो रहे हैं। यूजुअली किडनी के पेशेंट में क्या होता है कि एपेटाइट बहुत कम हो जाती है, भूख लगती ही नहीं है, कुछ खाना खाने का मन ही नहीं करता है। पेशेंट को हमेशा ऐसे फील होता है कि मुझे उल्टी आ रही है पर उल्टी आती नहीं है, और हो सकता है केसेस में उल्टी भी आ जाती है। जब इस तरीके के संकेत आपको दिखे कि निरंतर मेरा भूख लगना कम हो गया है, बहुत नौजिया हो रहा है, उल्टी जैसा महसूस रहता है, पूरे दिन जी मिचलाना जैसा फील होता रहता है, तो आप समझ लीजिए ये किडनी का केस हो सकता है। चौथा लक्षण जो आपको किडनी के केस में दिखेगा वो है इचिंग। पेशेंट कह सकता है कि या तो मॉइस्ट एरियाज यहाँ यानी कि जहाँ स्किन के फोल्ड्स होते हैं, जैसे आर्मपिट्स होता है, नीचे वाला एरिया होता है, वहाँ पे आपको इचिंग फील हो सकती है। और अगर किडनी का केस बहुत आगे बढ़ गया है तो ऐसे केसेस में ऑल ओवर द बॉडी आपको इचिंग फील हो सकती है, खुजलाहट हो सकती है। और पेशेंट ये भी कहता है कि खुजली करते करते काले काले दाने हो जाते हैं। तो जब इस तरीके का संकेत आपको दिखे तो ऐसा किडनी केस में होता है। पांचवा लक्षण जो आपको दिखेगा कि बॉडी में क्रिएटिनिन की वैल्यू बढ़ रही है कि पेशेंट को ब्रेथलेसनेस हो सकती है, सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है। पेशेंट या तो कह सकता है कि थोड़ी थोड़ी कभी भी कभी चलते हैं, थोड़ा चल लेते हैं या सीढ़ियां चढ़ लेते हैं तो सांस लेने में तकलीफ होती है। पेशेंट ये भी कह सकते हैं कि रात को हम सोने जाते हैं तो बहुत सांस लेने में तकलीफ होता है, सीधा लेटा ही नहीं जाता है, पूरी पूरी रात उठ के बैठना पड़ता है।
और अगर ये केस थोड़ा बढ़ जाए, क्रिएटिनिन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो पेशेंट को पूरे टाइम इस तरीके की दिक्कत रहती है कि पेशेंट से सांस ही नहीं ले जाती है। पेशेंट कहते हैं कि मुझे खुल के सांस ही नहीं आ रही है, मैं पूरी तरह रेस्पायर नहीं कर पा रहा हूँ। तो ऐसे केसेस में भी ये भी इंडिकेट करता है कि आपके बॉडी का क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया है। क्रिएटिनिन लेवल कितना बढ़ रहा है, किस रेंज में चला गया है, 4-5 हो गया है, 7-8 के आसपास है, 10 क्रॉस हो गया है, और किस केस को कैसे हैंडल किया जाए और आपको क्या मेडिसिंस लेनी चाहिए, इसके लिए आप भारत होम्योपैथी से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास पूरी टीम है डॉक्टर्स की, हेल्थ काउंसलर्स की, दे विल बी देयर टू हेल्प यू एंड गाइड यू कि आपको आगे चल के और कोई दिक्कत ना हो। बहुत लोगों को ऐसे लगता है कि हमारे शरीर में एक बार क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ गया तो उसे कम नहीं किया जा सकता, बट मैं आपको बता दूँ होम्योपैथिक मेडिसिंस इस चीज़ में बहुत हेल्पफुल है। हमारे पास बहुत ऐसे केसेस है जिनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। ऐसे भी केसेस होते हैं जो डायलिसिस, इम्पेंडिंग डायलिसिस का केस है, यानी कि ज़रूरत है कि पेशेंट एक या दो दिन में ही डायलिसिस कराए, पर ऐसे केसेस हमारे पास आते हैं और हम वहाँ से इम्प्रूव करना शुरू करते हैं और पेशेंट को डायलिसिस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ऐसे भी केसेस होते हैं जिनका क्रिएटिनिन लेवल बॉर्डर लाइन रहता है, तो ऐसे केसेस को हम इम्प्रूव कर देते हैं और उन्हें कभी डायलिसिस की नीड नहीं पड़ती है। तो अगर आपके मन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है कि क्रिएटिनिन लेवल को कैसे नॉर्मल किया जाए, कैसे विद इन द नॉर्मल रेंज लेकर आएँ, तो आप भारत होम्योपैथी टीम के साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नीचे लिखे हुए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट करिए एंड वी विल बी देयर टू हेल्प यू एंड गाइड यू। थैंक यू।